अनदर वीडियो गाइस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप जो जहां भी होगा बहुत बढ़िया होगा, मस्त होगा, स्वस्थ होगा और हम भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं। सो गाइस यस, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आप लोगों को अपना साड़ी कलेक्शन दिखाऊंगी। मतलब ऐसा मैंने एक वीडियो मैंने बना रखा है इयररिंग्स कलेक्शन वाला, तो जिसे भी देखा वो जरूर जाके देख लेना, मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड यस, आज मेरा सेकंड वीडियो इस टाइप का जब मैं कुछ कलेक्शन आप लोग को दिखाने वाली हूँ बिकॉज काफी सारे लोग झूठ नहीं बोलते, कोई भी नहीं पूछ रहा था बट यस, जब भी साड़ी पहनती हूँ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं और सब लोग पूछते हैं कि कहाँ से लिया, क्या लिया, तो ये सब पूछते हैं बट वीडियो बनाने के लिए किसी ने नहीं बोला, तो वीडियो मैं खुद से बना रही हूँ ताकि मैं सब लोगों को आंसर कर पाऊँ। सो आज स्पेशल डे इसीलिए भी है ये वीडियो बनाने के लिए बिकॉज आज मैं जो है अपना सारा सामान सेट कर रही थी। हम लोग घर जाने वाले हैं, गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है, समर वेकेशन, और मैं सारा सामान सेट कर रही थी क्योंकि बहुत सारा सामान मुझे निकालना था और सारी मैंने साड़ियाँ वगैरह भी निकाली और सारे सामान मैंने निकाले हुए हैं, तो मैंने सोचा यार चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। और यस गाइस, पूरा वीडियो जरूर देखना। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोग साड़ी पहन सकते हैं बहुत आसानी से और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी मुझे पता है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। वैसे तो बहुत सारी साड़ियां मेरे पास नहीं है बट जितनी भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि आधी साड़ियां मेरी यहाँ है, आधी साड़ियां मेरे घर पे है और थोड़ी साड़ियां मेरी सासू माँ के पास है और थोड़ी साड़ियां मेरे मम्मी के पास है। तो जितनी भी मेरे पास यहाँ पे साड़ियां हैं मैं वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एंड मैं बता दूं आप लोगों को, साड़ी मैं बहुत ज्यादा नहीं पहनती हूँ बट यस आई एम इंडियन, तो मुझे साड़ी पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है या मंदिर जाते हैं तब मेरे को साड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो मैं साड़ी पहनती हूँ और बहुत ज्यादा हैवी साड़ियाँ नहीं है मेरे पास, मैं पहले बता देती हूँ। मुझे बहुत हल्की हल्की साड़ियाँ पहनना पसंद है और हल्की साड़ियों को ही अच्छा कैसे दिखा सकते हैं तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। ऐसे ज्वेलरी वगैरह ऐड करती हूँ और ऐसे स्टाइल करती हूँ कि वो साड़ी जो है बहुत, यार बातें बहुत हो गई हैं, चलो मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ मेरे कमरे की हालत क्या हो रही है, देन वन बाई वन मैं आप लोगों को साड़ियाँ दिखाऊंगी। और यस टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप लोगों को मिलेंगी और थोड़ा सा जो है स्टाइल के बारे में, फैशन के बारे में भी आप लोग को जानने को मिलेगा कि किस टाइप की साड़ियां और ब्लाउज आप ऐसा बनाएं कि वो साड़ी जो है ना बहुत अच्छी लगे। तो यस गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 4 मिनट का हो गया मेरा ऐसे ही, चलो मैं दिखाती हूँ साड़ियां जो मैंने निकाल के रखी हैं। तो गाइस बहुत एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए हैं साड़ियां, तो ये मेरी कुछ साड़ियां हैं और मैं आप लोगों को, मैंने सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ था तो आज मैं जो है पूरा कर रही हूँ। तो ये आप लोग देख लो मेरे कपड़े, ओ माय गॉड गाइस, मुझे अभी से टेंशन हो रही है कि कैसे मैं इन सबको जो है साफ करूंगी और पैकिंग वगैरह करूंगी। सो ये अभी मेरे अंदर भी कपड़े हैं, ये नहीं कि यहीं पे हैं, तो चलो वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। साड़ी दिखाने के साथ साथ मैं पहन के भी आप लोगों को दिखाना चाहती थी बट गाइस ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो रखी है। मतलब मैंने जिस जूड़ा बनाया है, मैंने जो कपड़े मैंने पहने थे हुए थे एज यूजल वही मैंने पहने। साड़ी वगैरह वेयर करने का तो मन था, सोची थी जब कलेक्शन दिखाऊंगी तो साड़ी पहनूंगी बट अभी कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से वीडियो बनाना पड़ रहा है। और सो और मैंने लिपस्टिक और बिंदी तो लगाई ली, मैंने कहा कुछ तो अट्रैक्ट लगे, मतलब कुछ तो लगे अच्छा अच्छा, तो दैट्स व्हाई। तो यस सबसे फर्स्ट साड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जिसमें से मतलब जो मतलब ऐसी साड़ी है वो कॉलेज में सब लोग फैन हो गए थे उसके, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड यस सब साड़ियाँ तो पहन के दिखा रही हूँ बट भी मैंने पहन के रखी है वो मैं फोटो दिखा दूंगी यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये वो साड़ी है गाइस, मतलब सारे स्टूडेंट मुझसे पूछने लगे थे कि मैम मैंने ये आई थिंक फेयरवेल पे पहना हुआ था, तो सब पूछे थे कि कहाँ से ली आपने, कहाँ से ली, मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने हरिद्वार से ये साड़ी ले रखी है। तो सिंपल साड़ी है और उस दिन हम लोग मार्केट गए थे, तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी साड़ी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में तो नहीं बता सकती लेकिन जिस चीज़ में कुछ है स्पेशल चीज़ वो आप लोग को बताऊंगी। तो हम लोग गए थे मार्केट और हम लोग तीन लोग थे मेरे फ्रेंड्स लोग, तो यस सब ने बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ ली थी और ये साड़ी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन जब मैंने इसको स्टाइल किया और जब मैंने पहना ये साड़ी तो अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सबसे अच्छी जो साड़ी लग रही थी वो मेरी ही लग रही थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था, सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे और बाद में मांग भी रहे थे साड़ियाँ। तो बहुत सिंपल साड़ी है ये देखो, इसमें ये जो है रोज़ का पैटर्न है, ये साड़ी है ग्रीन और गोल्डन कलर का, इसमें वर्क हो रखा है मतलब कलर है इसका बहुत प्यारा सा, ये देखो बस ये ऐसी साड़ी है, कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब ये इतनी सिंपल साड़ी है। आप लोग सोच रहे कि यार ऐसा कैसे हो गया, यस गाइस ऐसे हुआ था क्योंकि मैंने इसको जिस तरीके से पहना हुआ था मैं तो उसकी वजह से अच्छा लग रहा था। देखो है बहुत सिंपल और मैंने जो इसका ब्लाउज किया था ना वो मेरा ब्लाउज इस टाइप का था क्योंकि ये जो रेगुलर ब्लाउज होते हैं नॉर्मल उस टाइप का ब्लाउज नहीं है ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये शोल्डर ऑफ ब्लाउज है जो इस टाइप से आता है, उस तरीके से है ये जो टेलर को दिया था मैंने, वो भी बोली थी कि यार ये मैंने फर्स्ट टाइम इस टाइप का ब्लाउज जो है सिल रखा है, तो मैंने बोला यार कोई नहीं कोई दे रहा है तो ऐसे ही सीख लो आप भी। तो ये जो बटन्स हैं वो पीछे पीछे जाएंगे और ये बटन सिर्फ शोपीस के लिए हैं, देखिए मैंने इसमें कपड़ा लगाने के लिए बोला था और अंदर से हुक है तो ये जाने वाला है पीछे की साइड और अस्तर इसमें लगा हुआ है तो ये जाएगा। वीडियो फोटो होगा तो जरूर से डालूंगी साइड में ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए और आप लोग भी अगर कुछ लड़कियां अगर मेरा वीडियो देख रही हैं और कुछ लेडीज़ वगैरह जो कंफर्टेबल रहती हैं ऐसी पहनने में तो वो लोग इसको बना सकते हैं। एंड सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। तो ये ऐसे करके आता है,
ऐसे करके आता है। और मैंने बहुत छोटा नहीं बनाया था, बहुत लंबा ब्लाउज है बिकॉज मुझे, ये देखो यहाँ तक है, ये काफी लंबा ब्लाउज है बिल्कुल, बिकॉज मुझे ज्यादा एक्सपोज करना मतलब पसंद नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि बड़े बड़े ब्लाउज ही। और मुझे ना इतने इतने ब्लाउज तो बहुत ही गंदे लगते हैं, सच्ची बता रही हूँ। मैं सोचती हूँ यार मम्मी लोग कैसे पहन लेते हैं, वो लोग ना मतलब इतना छोटा छोटा ब्लाउज पहनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं जब भी ब्लाउज सिलाती हूँ और लंबे लंबे ब्लाउज सिलती हूँ मैं। एंड यस, एक टिप मैं यहाँ पे आप लोग को देना चाहूंगी कि जो भी आप लोग साड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं तो जरूरी नहीं कि हर साड़ी के साथ आप लोग ब्लाउज करें, तो ब्लाउज को आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करके पहन सकते हैं, एक दूसरे के साथ स्टाइल करके पहन सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे। तो वीडियो पे बने रहे। तो फर्स्ट मेरा ये है एंड ये मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट साड़ी है क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेगी। तो यस, दिस इज माई फर्स्ट साड़ी। एंड मैं सेकंड साड़ी दिखाती हूँ, वो भी इतनी ज़्यादा मस्त है ना, तो मैं सोच रही थी कि यार मैं अब ये दूसरे फेयरवेल की साड़ी है तो इसमें भी सोची थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फर्स्ट में तो मैंने ऐसा बना दिया है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है लोगों को भी, मतलब कि अब क्या आप क्या करके। तो मैंने पहना ब्लैक, ब्लैक कलर आप लोग को पता है कि कभी भी ये स्टाइल से बाहर नहीं जाता है। तो ये है पूरा सिंपल साड़ी है ये ब्लैक कलर की, बट इसका बॉर्डर ये है। एंड मैं आप लोग को पहन देती हूँ। देखो साड़ियाँ मेरी सिंपल ही होती हैं बट उसमें जो ब्लाउज वगैरह है ना वो अच्छे से बना हुआ होना चाहिए और पहनने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, बस इसमें जो है गोल्डन सितारे सितारे वही लगे हुए हैं। तो ये है नेक्स्ट साड़ी, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड इसके साथ ब्लाउज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मजा आ जाएगा उसे देख के। गाइस लुक एट दिस ब्लाउज, ओ माय गॉड कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड ये है इसका ब्लाउज और स्लीवलेस मैंने बनाया हुआ था और ये स्लीवलेस है और साइड में जो शोल्डर पे जैसे ऐसे और यहाँ पे ये लटकन आने वाली है यहाँ पे। तो ये स्टाइल मेरे 3-4 साल पहले के है, मतलब इतना चला भी नहीं था तब, मतलब जो अभी आप लोग देख रहे होंगे अभी 1-2 साल से जो एक्ट्रेस वगैरह हैं वो लोग भी इस टाइप का काफी पहन रहे हैं। तो सोचो मैंने ये 3-4 साल पहले बनाए हुए हैं ये वाली स्टाइल वाले, उस टाइम पे इतना ज्यादा ये मतलब बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था, ये कोई पहनता नहीं था इस टाइप से। ये देखो ये ऐसे करके यहाँ पे लटकन आएगी। तो ये मैंने डिजाइन करवाया था और मैं बताती हूँ जो भी इस टाइप के जो ब्लाउज होते हैं ना उसमें पैड लगाना बहुत जरूरी है, जो मैंने नहीं लगाया था, जो मैंने गलती करी थी वो आप लोग को बताती हूँ। इसमें पैड लगा होता ना तो ये और अच्छा लगता, तो वो मैंने मेरे से गलती हुई थी। एंड देखो ये हार्ट शेप का मैंने नेक बनाया था एंड या पीछे से मैंने इस टाइप की लटकन लगवाई थी। ये देखो, तो ये है मेरी सेकंड साड़ी। एंड मेरी थर्ड साड़ी है ये, मैंने शादी के टाइम पे लिया था कि कभी पहनूंगी और मैंने वट सावित्री के दिन ये पहना हुआ था और एक बार दिवाली पे भी पहन चुकी हूँ। ये मैंने नेट वाली साड़ी है मेरी, काफी अच्छी है, नॉर्मल साड़ी है, इसमें कोई वो नहीं है, स्टोरी नहीं है। सो यस, ये साड़ी है काफी अच्छी है, ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, ये लिंक होगा तो दे दूंगी आप लोग लेना, काफी सस्ती में उस टाइम पे मैंने महंगी मंगाई थी, ये 1500-1600 के करीब, अभी तो ये 1100-1200 में आ जाती है। तो यस, और पता है ये दोनों साड़ी आप लोग को लग रहा होगा कि महंगी है, ये 1000-1000 के हैं, ये ज्यादा महंगी नहीं है। तो ये ज्यादा महंगी है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा वर्क हुआ हुआ है, आप लोग देखो जरा। और इसके साथ का जो ब्लाउज है वो काफी सिंपल है और ये देखो ये पीछे की साइड का है, आप लोग सोचोगे ये आगे का है, नो ये पीछे की साइड का है और ये है इसका आगे का साइड का हार्ट शेप का मैंने ये ब्लाउज बनाया हुआ है और बस इसमें बटन्स है, दैट्स इट। और ये छोटा दिख रहा है बट है लंबा, ठीक है, क्योंकि ये इतना ही नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक है तो लंबा ही है। ये देखिए, तो ये इसमें मैं आप लोग को एक टिप दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सभी लोग ऐसा करते हैं कि जो कढ़ाई वाला है या अच्छा है तो उसको आगे साइड करते हैं वो लोग साड़ी में। तो मेरा मानना ये है कि साड़ी में जो है पल्लू से तो आगे साइड का ढक जाता है ना तो पीछे साइड का दिखता है, तो मुझे लगता है कि मतलब जो भी कढ़ाई वगैरह है कुछ अच्छा है तो उसको पीछे साइड आप लोग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और डिज़ाइन जो है आप लोगों का दिखेगा। ये है मेरी फोर्थ साड़ी, देखो कितना ज़्यादा सिंपल है, मुझे पता नहीं इतने सिंपल ज़्यादातर पसंद आती है। और इसका कलर देखो जरा, एंड मुझे पता है जो सब लोग कलर पहनते हैं वो उतना पसंद नहीं आता, कुछ यूनिक पसंद आता है मुझे। तो जब मैं ये साड़ी ले रही थी तो ब्लू कलर की साड़ी थी इसमें, वो बहुत अच्छी लग रही थी बट मैंने इसको चूज़ किया बिकॉज इसका कलर डिफरेंट था, तो मेरे को था कि यार सब लोग ब्लू साड़ी पहन के आए मैं कुछ डिफरेंट पहनूँ। और ऐसी साड़ी, इस टाइप कलर की साड़ी आई थिंक बहुत कम लोगों के पास होती है। तो ये भी मैंने कॉलेज में शायद फ्रेशर पार्टी में पहना हुआ था। एंड ये शाइन देखो आप इसका, जरा शाइन कितना मस्त मार रहा है ये। एंड इसकी कढ़ाई सिर्फ बॉर्डर पे है देखो आप लोग, और कितनी प्यारी थ्रेड वर्क हुआ हुआ है इसमें, नहीं थ्रेड वर्क नहीं हुआ है इसमें, कुछ चमचम टाइप का लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये साड़ी खरीदी थी। एंड इसका ब्लाउज देखो जरा, ये देखो क्या ब्लाउज है, ये देखो। अब ये आप लोग सोचोगे कि ये आगे साइड का है, नो ये पीछे साइड का है और टेलर भी मुझे बोल रही थी कि ये आगे, मतलब उसको लगा ये पीछे ही करना है, जब मैंने उसको बोला ये आगे पीछे करना है उसको लगा आगे करना है, तो वो भी शॉक, मतलब कि यार ऐसे क्यों, मैंने बोला यस मुझे करना है, मुझे ऐसा ही पसंद है। एंड मेरे एक स्टूडेंट भी इस साड़ी को पहना हुआ था तो
जब उसने पहना था तो उसने इस साइड को आगे किया था क्योंकि इसका बोट नेक है तो दोनों आगे पीछे सेम ही है। तो मैंने उसको बोला यार तूने आगे पहना ना, इसको पीछे पहन देता। भी बोल दिया अरे यार मैम इसलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, मैंने बोला उल्टा पहन लिया वो। तो ये है आगे साइड का, आगे साइड एकदम सिंपल है क्योंकि मेरे को आप लोग को पता ही है कि आगे साइड ढक जाता है। तो पीछे साइड मैंने पूरा जो भी वर्क वाला है वो पीछे साइड किया क्योंकि पीछे से सारा दिखता है ना, दैट्स व्हाई। तो इसके साथ तक ये हो गया। ये साड़ी देखो, ये रेड वाली साड़ी, वाओ इसको पहन के मेरा लुक में क्या बताऊँ। एक फोटो आप लोग को दिख रही होगी ऊपर, उसमें भी मैंने पहन रखा है। इसको पहनती हूँ ना मजा आ जाता है सच्ची। ये नेट वाली साड़ी है, ये मैंने हल्द्वानी से खरीदी थी, बट ये साड़ी महंगी है यार। शादी के टाइम पे खरीदी तो मैंने कहा चलो एक आध साड़ी महंगी भी खरीद लेते। ये 3500 रुपये की साड़ी है, आप लोग को लग रही है क्या बताना, बिकॉज ये नेट वाली साड़ी है ना, पर मजा आ जाता है इसको पहन के भी ना। उल्टा है ये तो मैं दिखाती हूँ एंड मैं फोटोज तो लगा ही दूंगी आप लोग को, तो आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसका जो है ना ऐसे ऐसे वाला बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए मैं उल्टा साइड से आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए तो ये पूरा नेट वाला है, ये क्या ही दिखाऊँ इसमें, बहुत लंबी साड़ी है एंड पूरा नेट वाला है मैंने और ये सब बना रखी है। एंड इसके साथ मुझे पेटीकोट भी मिला था, तो नेट वाली साड़ियों के साथ वैसे सैटिन का क्या बोलते पता नहीं सैटिन तो इसी का जो एकदम फिसलन वाला कपड़ा होता है ना उसी का ब्लाउज बनाते हैं। तो ये है ब्लाउज, सॉरी पेटीकोट। अब मैं दिखाती हूँ इसका ब्लाउज, ब्लाउज में आप लोग को मजा आ जाएगा। तो ये है इसका ब्लाउज, उल्टा करके दिखाती हूँ मैं। ये ब्लाउज मेरा ऐसा है कि आप लोग किसी के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हो। रेड कलर का है, ग्रीन कलर में स्टाइल कर लो, और किसमें किया था मैंने, येलो साड़ी में मैंने इसे स्टाइल किया था। यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, क्या मस्त लग रहा था, मजा आ गया था। ये देखो, ये देखो इसमें बहुत अच्छे से डिजाइन दिख नहीं, ये पीछे साइड का है क्योंकि इसमें काम हुआ है, और ये है आगे साइड का जो थोड़ा सा प्लेन है। प्लेन साइड में आगे ही करती हूँ, तो इसमें बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट आप लोग जब ब्लाउज बनाओगे तो इस टाइप का ब्लाउज बनाना बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो है चुन्नटें करी हुई हैं, जो चुन्नटें अच्छे से दिख नहीं पा रही हैं, देखो आप लोग चुन्नटें करके लगाई हुई है। अगर आप लोग अगर दूसरे स्टफ में इसको बनाओगे कॉटन वगैरह में तो बहुत अच्छे से इसका स्टाइल खिल के आएगा। और ये नेक मैंने लगवाने के लिए बोला था उनसे, पेंसिल वाला जो है बनाने के लिए। और यहाँ पे भी जो है इसका वर्क हुआ है, देखो आप लोग बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, फोटो लगाई दूंगी मैं, तो देखो है ना अच्छा। और इस साड़ी को मैंने बहुत, इस ब्लाउज को मैंने बहुत साड़ियों के साथ स्टाइल किया हुआ है। सो ये साड़ी देखो मैंने रिसेंटली मैंने ले रखा है, ये इसका मैंने ये भी नहीं खोल रखा है अभी, जब भी स्टाइल करूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल है बट पहन के निखर के आएगा ये। ये देखो जॉर्जेट की है। तो एक ट्रिप मैं यहाँ पे आप लोग को देना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैवी होते हैं तो वो लोग जो है अगर सिल्क वगैरह की साड़ी पहने, कॉटन की साड़ी पहने, तो उसमें और ज़्यादा मोटे लगते हैं। तो जो थोड़े से हैवी हैं, थोड़े से हेल्दी हैं, तो वो लोग जॉर्जेट की साड़ी पहनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्लिम लगेंगे, क्योंकि आजकल मैं कुछ टाइम से सिर्फ जॉर्जेट की साड़ियाँ पहन रही हूँ और उसमें मैं लगती हूँ एकदम स्लिम। तो ये भी मेरा एक टिप है जिसे आप लोग फॉलो करके देख सकते हैं, आप लोगों को लगेगा कि यस यार ये काम कर रहा है। दिस ये फ्रिल वाली साड़ी है, बहुत ज़्यादा शॉक लगी हुई थी तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो इसको मैंने स्लीवलेस बनाया, ये भी हार्ट शेप का है और पीछे से डोरी लगवाई मैंने। और जैसे भी डोरी लगाते हैं तो डीप नेक बनाना चाहिए उसमें, क्योंकि डोरी जो है ना डीप नेक में ही अच्छी लगती है। अगर आपका जो है गला यहाँ तक है, ठीक है यहाँ तक है, और आप डोरी लगा रहे हैं तो कुछ मायने नहीं रखता है, वो अच्छा ही नहीं लगता है। अगर जब भी आप डोरी लगा रहे हैं तो डीप नेक करो, अगर डीप नेक है तब भी आप डोरी करो। डोरी से क्या होता है ना, डीप नेक में इधर चले जाते हैं जो है ये, तो अगर डोरी बांधोगे तो ये इधर को अच्छे से आई रहेगा। और इसमें मैंने जो है लटकन में थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने की कोशिश करी है। तो ये पर्पल कलर की है, वो सिंपल सी है, फ्रिल वाली है, माई फर्स्ट फ्रिल वाली साड़ी है ये मैंने स्पेशल मंगाई थी अपने फर्स्ट करवा चौथ के लिए। तो बहुत अच्छी साड़ी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा हाई वाले बजट में नहीं है ये, बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं अच्छे रेट में। तो एक बनती पिंक कलर की, एक डार्क पिंक है, एक थोड़ा सा लाइट पिंक है, तो दोनों का शेड है इसमें। तो यस, अगर इनके साथ व्हाइट ब्लाउज को भी अगर आप लोग पहनोगे ना काफ़ी अच्छा लगेगा, और ब्लैक तो जाता ही जाता है। तो और दो, ये तो मैंने दिन में पहनने के लिए मंगाई थी, रात में पहनने के लिए, वाओ ये साड़ी इतनी सुंदर है ना, इसमें जो है ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन है। तो देखो इसका जो बॉर्डर है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ये देखो क्या साड़ी है, वाओ डॉट 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 उनका डॉट बने हुए हैं इसमें, बहुत ज़्यादा सुंदर। और इसका ब्लाउज में मेरे साथ हो गया झोल, यहाँ वालों को ब्लाउज बनाना ही नहीं आया यार, सोचियो अब तो रेडीमेड ही बनाऊंगी। एक तो सिलाई इतनी दो, ऊपर से इतना गंदा बन जाता है, इससे अच्छा ये कि रेडीमेड खरीद लो यार, रेडीमेड खरीद लो ना तो अच्छा ही होता है, अपनी साइज का मंगा लो, दैट्स इट। तो डिज़ाइन तो बहुत अच्छा दिया था, ये जो चला हुआ है आजकल डिज़ाइन वी नेक में, वो दिया था वी नेक, इतना डीप बना दिया उसने, मैंने इतना दिया भी नहीं था, इतना बना दिया वी नेक। और पीछे से ये जो फ्लावर है वो दिया था, और ये दिया था यहाँ पे कटिंग करने के लिए बोला था, इस टाइप से कटिंग करके और खूबसूरत सा जो है फ्लावर बनाने के लिए, इतना पिचकू वाला फ्लावर तो बिल्कुल भी नहीं बोला था मैंने, थोड़ा अच्छा अच्छा यार। इससे साथ मैं वो अपना बैच बना लेती थी स्कूल में, मतलब फूला फूला तो लगता था, वो इतना दबाने की क्या जरूरत है, आई डोंट नो, देख रहे हो कैसा पिद्दू सा लग रहा है, और बहुत डीप नेक था।
पहाड़ी है, हमारे नीचे पे कोई है, उनकी शादी में हम लोग गए थे तो वहाँ पे हम लोग को मिला हुआ था ये, तो ये काफ़ी अच्छी है, इसको भी मैंने पहना हुआ है। एंड इसका ब्लाउज वगैरह कुछ बनाया नहीं है, ऐसे पहन लेते हैं। एंड नेक्स्ट साड़ी मेरे पास ये है येलो कलर की, और ये मेरी हल्दी की साड़ी है, मतलब कुछ भी, मैं उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था, मैंने ऐसी पहन लिया, मुझे लगा येलो येलो पहना जाए तो मैंने यही पहन लिया था, बट सिंपल एंड श्योर जब मैंने इसमें रील्स बनाई थी तो मज़ा ही आ गया था। एंड यस, इसमें भी मैं सेम आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखो इसमें मैंने जो है बटन लगवा रखे हैं ऐसे करके कांगे सोपीस के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा सिंपल है तो कुछ कर लो तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगवा लिया है। जो मैंने होली के लिए मंगाई थी, होली स्पेशल, देखो बहुत सिंपल है, ऑनलाइन मंगाया हुआ था मैंने होली के लिए, और इसके साथ मैंने स्टाइल किया था ये वाला ब्लाउज। नेक्स्ट ये मम्मी की साड़ी है, इसको भी मैंने पहन लिया है, बेबी के बर्थडे पे पहना हुआ था, सेकंड बर्थडे पे, तो फॉल वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस पहन लिया इसको ऐसे ही, इसका ब्लाउज भी ऐसी है। एंड नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ ये साड़ी, ये अभी बनाई नहीं है मैंने, ये भी गिफ्टेड साड़ी है, मेरी मासी ने मुझे दिया है, तो जब बनाऊंगी तो जब स्टाइल करूंगी तो आप लोग को दिख ही जाएगा। ये मैंने दिल्ली से लिया था बहुत साल पहले, 2017 में मैंने लिया था ये। तो गाइस ये साड़ी मैंने मम्मी के लिए ली थी, और देखो इसका नेक कितना प्यारा है, एकदम ऊपर तक नेक है, इसमें बहुत ही अच्छा लुक आता है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करना ये नेक को। तो गाइस एक ट्रिक ये भी है कि अगर हम लोग अपनी साड़ियाँ एक्सचेंज करते रहें अपनी मम्मी के साथ, सासू माँ के साथ, दीदी के साथ, तो उनके लिए भी एक चेंज हो जाता है, वो भी अलग साड़ी पहन लेते हैं और हम भी अलग साड़ी पहन लेते हैं। और देखो गाइस ये साड़ी है मेरी सासू माँ की, और इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो रेड कलर का ब्लाउज है वो पेयर करूँ, क्योंकि लाइट कलर की साड़ी है, अगर मैं उसमें डार्क कलर का ब्लाउज यूज़ करूँगी तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और हमारा जो चेहरा होता है ना एकदम ग्लो करता है। तो ये साड़ी भी मेरी मम्मी की है, देखो इसको भी मैं कैसे ना कैसे स्टाइल करूंगी। कुछ ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ मेरे कॉमन ब्लाउज हैं जो मैं सारी साड़ियों के साथ पहनती हूँ, और सारी साड़ियों के ब्लाउज नहीं बनाती मैं, और जो मेरा फेवरेट है हमेशा सबके साथ चल जाता है वो है ये ब्लाउज, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो सब लोगों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है सारी साड़ियों का। पीछे से ऐसे बांधने वाला है और फुल बाजू का है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, पिक्स दिखा दूंगी। एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये ब्लाउज, ये भी काफ़ी चल जाता है, ये टॉप हैं एक्चुअली बट साड़ियों के साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसमें अंदर से बटन हैं ऐसे देखो, और ये है एक वुलन का है, इसके साथ ही मैंने साड़ियाँ पहनी हुई हैं तो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये भी। एंड मैंने एक ये गोल्डन कलर का ब्लाउज ले रखा है, ताकि कभी होता है कि ब्लाउज नहीं है तो उसके साथ मैं पहनूंगी करके, सिर्फ एक बार मैंने अभी तक पहना हुआ है, ये रेडीमेड ब्लाउज है ये बाय द वे, कुछ इस तरीके से इसमें काम हुआ है, ये देखो इसमें जो है प्रेडेड वाला है, ये रेडीमेड है ना, छोटी छोटी सी लटकन है, आई थिंक मैं पहन पाऊँ। और मैंने ये ब्लाउज बनाया हुआ था बट आज तक नहीं पहन पाई, आई डोंट नो वाई, मैंने ये कॉलेज की साड़ी के साथ के लिए बनाया था बट फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर मेरी शादी हो गई थी तो ये ब्लाउज ऐसे ही रह गया, तो इस ब्लाउज को मैं स्टाइल करूँगी, ये ब्लाउज जो है ना वही वाला है यहाँ तक वाला, और बहुत सिंपल सा बनाया था मैंने कॉलेज के लिए, तो सिंपल है यहाँ तक है, तो किसी और साड़ी के साथ भी स्टाइल करूंगी तो काफी अच्छा लगेगा, बट मैंने ये स्टाइल करा एक बार तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आई थिंक, और कुछ डिजाइन वगैरह के बारे में और कुछ तो पता ही लगा होगा। सो यस, कुछ टिप्स और देना चाहूंगी कि जैसे आप लोग पल्लू वगैरह डालते हैं और आप लोग को लगता है कि यार मैं इतना पल्लू यहाँ पे संभाल नहीं पाऊंगी, एक हाथ यहीं पे लगाना पड़ता है, तो आप लोग छोटा सा पिन जो है ना, जैसे आपका पल्लू यहाँ से गया, जैसे मैं आप लोग को दिखाती हूँ, या जैसे जो है पल्लू ऐसे गया आप लोगों का, ठीक है, एक तो जो ऐसे करते हैं ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो ऐसे करके एकदम गला वहाँ पे बंद रहता है ना, तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, एकदम सफोकेशन लगता है और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग जब इस टाइप का पल्लू बनाते हैं तो आप लोग जस इसको ऐसे लेके जाया करो, इससे जो है ना आपका जो लुक है वो और ज़्यादा एनहेंस होगा, और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप ऐसा करते हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छा, ऐसा वाला लुक करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा वो, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। और यस, अगर आप लोगों को लगता है कि यार हर समय आपको पल्लू यूं यूं करना पड़ रहा है, तो आप लोग क्या करो कि छोटा सा यहाँ पे लो और ऐसे करके पिन लगा दो यहाँ पे, बहुत छोटा सा पिन, अगर आप पिन लगा दोगे ना यहाँ पे तो आपका गिर भी रहा है पल्लू तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग ऐसे करके कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप लोग पल्लू नहीं संभाल पाते, तो आप लोग वो वाला पल्लू यूज़ कर सकते हैं, दूसरा वाला लाइक ऐसे या ऐसे, या फिर जिसका चौड़ा पल्लू है उसको जस्ट आप बस ऐसे ले लो, ऐसे करके ले लो, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है और सुंदर भी लगता है, और पल्लू संभालने की टेंशन नहीं होती। एंड पूजा पाठ में जा रहे हो और अगर आप लोग को दुपट्टा कैरी करना है या फिर साड़ी आपका सर पे
बहुत पकड़ना होता है, पिछवाड़ी यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करो जो है आंचल डाल लो। आजकल फैशन में भी है आंचल डाल के, बहुत ज्यादा सुंदर भी लगता है। और अगेन ये करने की जरूरत नहीं है यार, आई डोंट लाइक, जिसको पसंद है वो कर सकता है, बट अपना पर्सनली बता रही, जिसका भी मैं देखती हूँ या खुद करती हूँ जो मुझे फील होता है, तो अगेन आप ऐसे करके कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। और बस और बाकी तो मैंने बीच बीच में आप लोग को बताई रखा है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्लाउज कुछ ऐसे कलर के ले लें आप, जैसे रेड ब्लाउज, ब्लैक ब्लाउज, व्हाइट ब्लाउज, जो क्या है कि एक दूसरे के साथ पहने जा सकते हैं। तो जैसे व्हाइट ब्लाउज या पिंक साड़ी में पहन लो, बहुत अच्छा लगेगा व्हाइट वाला। अभी मैंने लिया नहीं है, लूंगी। और यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन गई, बट वीडियो बना रही थी तो सोचा सब चीज़ शेयर कर दूँ कि दूसरा पार्ट ऐसा पार्ट ना बनाऊँ, तो एक ही साथ शेयर कर दूँ। और अब और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना, ताकि मैं जो है घर पे जो साड़ियां हैं उनको भी आप लोग को दिखा सकूं। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड कमेंट्स जरूर करना कि आप लोगों को कौन सी सबसे अच्छी साड़ी लगी है। सो यस, बाय बाय, टेक केयर।